अपने एक जन्म दिवस पर वल्लभ भाई पटेल ने कहा, आपके स्नेह ने मेरे दिल को छू लिया है। मैंने शायद कुछ कड़वी बातें कही होंगी, मगर उन्हें दवा की कड़वी खुराक समझिए। स्वाधीन भारत की पहली सरकार में सरदार पटेल गृह मंत्री बने। इसके बाद सरदार 500 देशी रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने के काम में जुट गए। लेकिन ये छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है, और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है उस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो गुमाना नहीं चाहिए। देशी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलीनीकरण शायद सरदार पटेल की सबसे बड़ी कामयाबी थी। रघुपति राघव राजाराम पावन सीता। यद्यपि सरदार का स्वास्थ्य खराब था, फिर भी वे सारे देश का दौरा करते रहे। अपने आचरण से लोगों में लगन और अनुशासन की ज्योति जगाते रहे। वे वास्तव में भारत के लौह पुरुष थे। गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड लेबर मस्ट ऑल, क्या सरकार, क्या उद्योग, क्या मजदूर, सबको राष्ट्रीय भावना से काम करना चाहिए। अगर देश डूबा तो हम भी डूब जाएंगे, खुशहाल हुआ तो हम भी खुशहाल होंगे। इस महान देशभक्त लौह पुरुष का हृदय नम्रता, दया और भारतीय जनता के लिए असीम प्रेम से भरपूर था। वे वास्तव में भारत के महान सेवक थे, सच्चे देशभक्त थे और थे भारत की आजादी के निराले सेनानी। 15 दिसंबर 1950 स्वतंत्र भारत के एक प्रमुख निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल का बंबई में देहावसान हो गया। 30 से अधिक वर्षों तक वे आजादी के लिए लड़े, जनता की एकता और कल्याण के लिए काम करते रहे।